ग्वालियर के कटारे कृषि फार्म पर एक अज्ञात महिला का जला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कटारे कृषि फार्म से गुजर रहे एक प्राइवेट कंपनी के चौकीदार ने गोला का मंदिर थाना पुलिस को सूचना दी थी कि फार्म पर एक सड़ा गला शव पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है, साथ ही शव का निरीक्षण कर पुलिस को बताया कि ये शव एक महिला का है जिसकी हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात महिला की शिनाख्त के लिए शहर के कई थानों में सूचना भेज दी है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगी। ये कटारे फार्म हाउस की जगह कही जाती है, थाना गोला के मंदिर का एरिया है ये। तो अभी ये पता लगा था यहाँ एक महिला की डेड बॉडी है, तो थाना प्रभारी गोला के मंदिर एफएसएल की टीम भी आ गई है। तो हम लोग देख रहे हैं ये डिकम्पोज बॉडी है, दो तीन दिन पुरानी हो सकती है। कुछ चप्पल मिली है, कुछ कपड़े मिले हैं। तो हम लोग पहले शिनाख्त के प्रयास करेंगे और आगे पीएम करा के जैसी स्थिति बनेगी कार्रवाई करेंगे। अब कुछ भी हो सकता है, डिकम्पोज बॉडी है, जब तक पीएम नहीं होगा और उसकी पहचान होगी तब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और लहार से विधायक गोविंद सिंह ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में और ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की जान चली गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसते उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और कोरोना का बहाना बना रही है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जगह जगह कोई दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाए, बाढ़ और ऑक्सीजन तक न होने से तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये सब मुद्दे बेरोजगारी की है। आज लगातार बच्चियों के बलात्कार में मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक पर है। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर अब एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। शिवपुरी के पिछौर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से रैली निकालकर महंगाई का विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक साल में 51 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा और महंगाई से आम आदमी त्रस्त है जी। इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है आदरणीय एसडीएम महोदय द्वारा। आज पिछोर विधानसभा में युवा कांग्रेस के द्वारा बैलगाड़ी यात्रा निकालते हुए पेट्रोल डीजल तथा गैस की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया है।